मैं हूं अनुराधा, स्वागत करती हूं अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत मैं अपना मॉर्निंग से ही कर रही हूं। मैं रेडी हो गई हूं, मिस्टर जी तो अभी नहाने गए हुए थे तो अभी का टाइम हो रहा है 11 का। और तो चलिए जी, पहले तो हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते, राम नमो, सत श्री अकाल, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। तो गाइस कैसे हैं आप सब, होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ना अभी हम रेडी होके जा रहे हैं शादी में, तो फिलहाल तो रेडी हो गई हूँ, लेकिन ये चूड़िया जो है ना अभी मुझे पहनना है। तो आप बताना मेरी चूड़िया कैसी लग रही हैं। तो चलिए इनको भी पहन लेते हैं, जब तक मिस्टर जी नहा के आते हैं ना, हम अपना भी ये बस चूड़िया पहनने को रह गई हैं। तो वैसे ना वीडियो में मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, आप लोग ना मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कमेंट पढ़ने के बाद। अधिकतर मैं सबको अपने रिप्लाई भी दे देती हूँ। तो ये वाले हाथ में तो मैंने चूड़िया पहन ली हैं, और देखो नहा के ना कपड़े भी पहन रहे हैं अपने, मतलब नहा के आ गए हैं तो शूज वगैरह पहन रहे हैं। तो चलिए जी मैं भी फटाफट से अपनी चूड़िया पहन लेती हूँ, और ये वाले हाथ में तो मैंने पहन ली है, कैसी लग रही है बताओ जरा। तो ये वाली जो चूड़िया ना वाइट वाली है, मैंने मेले से खरीदी हुई थी और इतनी महंगी थी, और मैंने इसको ना एक बार पहन ली, अभी ये दूसरी बार पहन ली हूँ। तो अभी मैं साबुन से नहीं पहन रही हूँ चूड़ियों को, लोशन से ही पहन ले रही हूँ। टूटने का डर रहता है, साबुन से ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन हाथ ना खराब हो जाते हैं फिर सूख जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना ऐसे ही पहन लेती हूँ, है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, किसको नहीं पसंद आती है, तो वो भी कमेंट कर देना। मैं अपनी वीडियो में सुधार लाने की कोशिश करूँगी। आप लोग अपनी एडवाइस देना कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, किस बारे में वीडियो मैं बनाऊँ, तो ये भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। और ये देखिए बड़ी आसानी से मैंने चूड़िया भी पहन ली है। तो चलिए जी फिलहाल तो मैं रेडी हो गई हूँ, मिस्टर जी भी रेडी हो ही रहे हैं, तो रेडी होने के बाद हम जाएंगे शादी में, और ब्लॉग में मेरे बने रहिएगा, तभी मैं आपको शादी दिखा पाऊंगी। तो अब वहां जाने के बाद मैं आपसे मिलूंगी, ठीक है। तो ये जी मिस्टर भी रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ, तो मैं ना अभी आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, फिलहाल तो देख रहे हो। आपने मेरा फाइनल लुक देख लिया, कमेंट में बताना कि कैसी लग रही हूँ। और अभी हम लोग चलते हैं शादी में, तो अब सीधे हम वहीं पे जाने के बाद मिलेंगे, मिस्टर जी भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़े यार तेरे नाम दा भी। तो भाई ये है हमारे दूल्हा जी, और यहाँ ना इनका फोटो वगैरह शूट हो रहा है, मिस्टर जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो नाल भैया तेन नहीं लेंदी फिर आके मैं वीडियो से ना पावी तो इधर को भैया सेट लग गया है यहाँ डीजे में, करो डांस, डांस करो अनमोल। ओ ओ ओ ओ तो यह है डीजे वाला घर। तो यह है हमारी छोटी चाची, मतलब चाची जी का परिवार का घर, मतलब ये देखो ये पूरा हमारा चाची का परिवार है, वहाँ पे चाची लोग बैठे हुए हैं। ये तो यहाँ चाची लोगों ने नहा लिया है, बाकी उनकी एक जो बहू है ना वो भैंस वगैरह को ना क्या कहते हैं कुट्टी वगैरह ना वो देकर आ रही थी, तो ये वहाँ पे धो रही हैं। बाकी तो चाची हैं और ये है उनका घर। तो चलिए भाई चलते हैं, बैठ लेते हैं थोड़ी देर, और यहाँ पे हलवाइयाँ वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ देखिए भाई, तो यहाँ हलवाइयों का काम चल रहा है, और वो शादी वाला घर उधर है। वीडियो बन गई है हमारी दादी, नहीं ये है भाई हमारे थोड़ा थोड़े पुत्र जी है नी, ये शायद है जो कि हमारी प्यारी नन्द की बेटी है, और ये तो हमारी देवरानी जेठानी जी की बेटी है ना। तो अपना अपना नाम बता दो। माय नेम इज गुरप्रीत कौर, माय नेम इज सचित कौर। ओ तो हम तो जान गए भैया इनका नाम क्या है तो ये बच्चों देख रहे हैं कैसे शैतानी कर रहे हैं यहाँ पे। Okay.
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गुरुद्वारा में और अभी ना पंजाबी स्टाइल से शादी होने वाली है, तो पंजाबी शादी है तो पंजाबी स्टाइल से ही होगी। तो फिलहाल हम गुरुद्वारा में आ गए हैं और ये है हमारी देवरानी जी और साथ में ननद जी। तो अभी हम आपको फेरे दिखाने वाले हैं, पंजाबी में कैसे फेरे होते हैं। बादशाह शाह जी प्यारे सब बस कर दीने जिलामा, अमृत नाम जी प्यारे महारस पीने जिलामा, दुष्ट दूत जी प्यारे परमेश्वर मारे जिलामा, दूजड़ी लाव जलाई सतगुर काज रचाया, तीजड़ी लाव जलाई सतगुर काज रचाया, तीजड़ी लाव जलाई सतगुर काज रचाया, निरपौ हुए जी प्यारे भजो भगवान जिरामा, साध संगत जी प्यारे मिलकी नौदार जिरामा, दुष्ट दूत जी प्यारे परमेश्वर मारे जिरामा, तिजड़ी लाव जलाई सतगुर काज रचाया, चौथड़ी लाव जलाई सतगुर काज रचाया, चौथड़ी लाव जलाई सतगुर काज रचाया, शरण परे जी प्यारे प्रभ अंतर जामी जी रामा, नानक ओट जी प्यारे पकरी प्रभ स्वामी जी रामा, दुष्ट दूत जी प्यारे परमेश्वर मारे जी रामा, चौथड़ी लाव जलाई सतगुर काज रचाया, चौथड़ी लाव जलाई सतगुर काज रचाया। सो दोस्तों यहाँ पे ना फेरे हो चुके हैं, काज रच गया है, शादी हो गई है। तो हिंदू धर्म में तो हमारे साथ फेरे होते हैं और वो भी अग्नि के सामने। यहाँ पे पंजाबी धर्म में जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है ना उनके सामने फेरे होते हैं। और ना मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सात फेरे नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ चार फेरे होते हैं। तो यहाँ बाबा जी अरदास कर रहे हैं कि नव जोड़ा को का जीवन जो है वो सुखमय रहे करके, और फाइनली शादी हो गई है। और गुरुद्वारे में ना बहुत सारे लोग नहीं आते, गिने चुने जो लोग होते हैं ना वही सभी काज में आते हैं, मतलब शादी देखने के लिए या गुरुद्वारा में शामिल होने के लिए आते हैं। सभी लोग इसमें नहीं शामिल होते हैं, बाकी सब लोग घर में ही हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम शादी हो गई है और हमारी दुल्हन और दूल्हे रेडी हो गए हैं घर जाने के लिए। तो इनको ना हम अपने घर में लेकर चलते हैं। और हमारी जो शादी होती है ना, तो शादी में सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो लड़के वालों की तरफ से होते हैं और कुछ लड़की वालों की तरफ से होते हैं। तो गुरुद्वारा में तो इतने ही लोग आते हैं, ज़्यादा लोगों का आना भी ठीक नहीं रहता है, तो गिने चुने लोग ही आते हैं। और बाकी दूल्हा दुल्हन को तो हमने गाड़ी में विदा कर दी है, तो अब हम लोग भी घर चलते हैं। घर में पार्टी वगैरह चल रही है तो इन्जॉय वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे ना पार्टी स्टार्ट हो गई और हमें तो लग गई है भूख भैया, तो हम भी खाना पीना जो है वो खा लेते हैं। फिलहाल अभी नाश्ता है तो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में खाना पीना लगेगा और उसके बाद शादी तो हो गई है, मेन काम हो गया है। अब यहाँ पे रुक के भी क्या करना, तो हम फटाफट खा लेते हैं, फिर खाना भी खाएंगे, फोटो वगैरह खिंचा के फिर हम लोग चले जाएंगे अपने घर। तो कुछ इस तरह होती है पंजाबी शादी। तो आपको कैसी लगी? मैं वीडियो तो नहीं देख रही हूं, यहां मेरी भाभी है। तो चलिए जी अभी मैं आ गई हूँ शादी से और मिस्टर हस्बैंड तो चले गए हैं बाहर दुकान में, और अभी ना कपड़े वगैरह भी चेंज करने हैं। तो अभी टाइम हो गया है 7:53 का, तो भैया खाना पीना भी बनाना है। खाना पीना बनाना क्या है, मैं साथ में लेकर आई हुई हूँ, तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ लेकर आई हुई हूँ। दो सब्जी लेकर आई हूँ, एक मटर पनीर की और एक जो है ना वो मिक्स सब्जी होती है ना, तो वो वाली सब्जी मैं लेकर आई हुई हूँ। साथ में थोड़े से चावल भी लेकर आई हुई हूँ, तो वो मैं पापा जी के लिए लेकर आई हूँ, मतलब अपने ससुर जी के लिए लेकर आई हुई हूँ।
तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दिया हुआ है कि ले जा करके, उनको पता ही ना ससुर जी के लिए खाना यही बनाती है, तो भैया उन्होंने मुझे पैक करके दे दिया है, तो मैं लेकर आई हूँ। साथ में थोड़े से चावल भी लेकर आई हूँ, लेकिन ना पापा को मैं चावल नहीं दूँगी, तो मैं अब उनके लिए रोटी बेलूँगी, तो रोटी मैं फटाफट बेल लेती हूँ। वैसे अभी ना मुझे पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद खाना पीना बनाऊँगी। तो चलिए जी, आपकी वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और जो न्यू आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इसी वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, बाय।